प्रहलाद जोशी को भी शपथ के लिए फोन किया गया। आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी और अनुप्रिया पटेल भी इसमें शामिल हैं। हम के नेता जीतन राम मांझी को भी फोन गया, तो वहीं जेडीयू नेता लालन सिंह और रामनाथ ठाकुर को भी फोन गया है। दोनों जेडीयू कोटे से बन सकते हैं मंत्री। चिराग पासवान एलजेपीआर से बन सकते हैं मंत्री। जेडीएस के एचडी कुमार स्वामी को भी फोन गया हुआ है। और ये देखिए, शपथ ग्रहण समारोह से पहले ये एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है, बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां मोदी सरकार में शपथ ग्रहण के लिए नए मंत्रियों को फोन जाना शुरू हो चुका है। और नए मंत्रियों को जिनमें नाम है वो भी आपको बता दें, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का नाम शामिल है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, साथ ही संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी को फोन जा चुका है। आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी, अनुप्रिया पटेल, हम के नेता जीतनराम मांझी, जेडीयू नेता ललन सिंह और रामनाथ ठाकुर को भी फोन गया। तो वही दोनों जेडीयू कोटे से बन सकते हैं मंत्री। चिराग पासवान एलजेपी से बन सकते हैं मंत्री। जेडीएस के एसडी कुमार स्वामी को भी फोन गया हुआ है। और चलिए सीधे रुख करेंगे संवाददाता दिल्ली से, पवन जुड़ गए हैं। पवन, लगातार हलचल तेज होती जा रही है और जो मंत्री हैं उनको फोन भी जाने शुरू हो चुके हैं, जो मंत्री बनाए जाने उनको भी फोन जाने शुरू हो चुके हैं, और कौन कौन से इनमें नाम शामिल है पवन? देखिए, जाहिर तौर पर चूंकि आज शाम को 7:15 बजे राष्ट्रपति भवन में शपथ ग्रहण समारोह का कार्यक्रम होना है, तो ऐसे में कल देर रात तक जो बैठक चली बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृहमंत्री अमित शाह के बीच में, उसमें तमाम जो नाम थे उनको फाइनल कर लिया गया था। उसमें जितने भी जो सहयोगी दल है एनडीए के, उसमें से कौन कौन मंत्री बनेगा उनके नाम तय हो चुके थे। उसके अलावा जो है बीजेपी से कौन कौन मंत्री बनेगा उन सबके नाम तय हो चुके थे। अगर आप बात करें तो तमाम जो नाम है वो अब सामने निकल कर आ रहे हैं, चूंकि अब से थोड़ी देर के बाद में तमाम जिन लोगों को फोन पहुंच गया है वो प्रधानमंत्री आवास जाएंगे, 7 लोक कल्याण मार्ग, और वहां जाकर प्रधानमंत्री के साथ सुबह नाश्ते पर चर्चा होगी। चूंकि ऐसे एक जब से 2014 से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है, तो जब भी मंत्रिमंडल विस्तार होना होता है या नए मंत्रिमंडल का गठन होना होता है, तो प्रधानमंत्री उनसे तमाम जो बनने वाले मंत्री होते हैं उनके साथ मुलाकात करते हैं, उनके साथ संवाद करते हैं, उनको बताते हैं कि किस तरह से उनको मंत्रिमंडल में साथ रहकर काम करना है। तो ये तमाम जो प्रक्रिया है वो चलती हुई आ रही है, तो उसी के तहत अब से थोड़ी देर के बाद में तमाम जो लोग हैं वो प्रधानमंत्री आवास पहुंचाएंगे, जिसमें अगर टीडीपी की बात करें तो राममोहन नायडू जो हैं उनको जो है वो कैबिनेट मिलने की संभावना है, उनको फोन जा चुका है। उसके अलावा पी चंद्रशेखर जो है टीडीपी के ही, उनको राज्य मंत्री बनाया जा सकता है, उनके पास फोन पहुंच गया है। नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह, अमित शाह, प्रहलाद जोशी, अर्जुन राम मेघवाल समेत तमाम जो नेता हैं उनको फोन जा चुका है। एचडी कुमार स्वामी जो जेडीएस के जो घटक दल है कर्नाटक में, उसके जो नेता हैं उनके पास फोन जा चुका है जी। आयसू के जो सांसद हैं उनके पास फोन जा चुका है। जयंत चौधरी, अनुप्रिया पटेल, दोनों को मंत्री बनना है, तो इन तमाम जो लोग हैं उनके पास अब धीरे धीरे फोन पहुंचना शुरू हो गया है। जीतन राम मांझी की बात करें, चिराग पासवान की बात करें, या जेडीयू के रामनाथ ठाकुर और ललन सिंह की बात करें, तो इन तमाम जो सहयोगी दलों पहले जो है फोन कॉल जो है सहयोगी दलों के नेताओं के पास किया जा रहा है, उसके बाद में धीरे धीरे जो है फोन कॉल्स जो बीजेपी के जो नेता हैं सांसद हैं उनके पास जाना शुरू हो चुका है। और सबको बताया गया है कि आपको अब से थोड़ी देर बाद में प्रधानमंत्री आवास पहुंचना है और प्रधानमंत्री के साथ वहां बैठकर चाय पे बातचीत करनी है। यानी कि जब प्रधानमंत्री के साथ चाय पे बैठ के बातचीत करनी है तो यह माना जाता है कि उनका मंत्रिमंडल में स्थान मिलना तय हो चुका है। तो ऐसे में तमाम जो नेता हैं उनके पास अब धीरे धीरे फोन पहुंचना शुरू हो गया है। बिल्कुल, और ये जो आप नाम बता रहे हैं इनके पास फोन पहुंचना शुरू हो चुका है, और अभी क्या हलचल वहां पर हो रही है, क्योंकि तमाम तैयारियां की जा रही है। हम देख पा रहे हैं कि नरेंद्र मोदी भी तैयारियों में जुटे हुए हैं और उसके पहले कुछ महत्वपूर्ण कार्यक्रम है उनमें भी शामिल हो रहे हैं, तो क्या हलचल इस वक्त अभी वहां पर देखी जा रही है पवन? देखिए, सुबह 7 बजे सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजघाट पहुंचे, वहां महात्मा गांधी की समाधि पर जाकर उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की। उसके बाद में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि पर सदैव अटल पहुंचे, वहां जाकर उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की। उसके बाद में वॉर मेमोरियल पहुंचे जो इंडिया गेट पर है, वहां शहीदों को नमन किया। तो ये तमाम तरह के कार्यक्रम चल रहे हैं। अब से थोड़ी देर के बाद में तमाम जो मंत्री बनने वाले जो लोग हैं उनके साथ चाय पर चर्चा करेंगे। मैं इस समय बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर खड़ा हुआ हूं, आप देख सकते हैं यहां भी तैयारी की जा रही है, क्योंकि यहां शाम को जब शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हो जाएगा तो उसके बाद में शाम को यहां भी एनडीए के सांसदों का डिनर होना है, तो उसके लिए यहां अंदर जो है जेपी नड्डा के आवास पर तैयारियां लगातार की जा रही है। तकरीबन 300 के आसपास जो लोग हैं वो यहां शाम को इस डिनर में शामिल होंगे। तमाम जो एनडीए के सांसद हैं या जो नेता हैं एनडीए घटक दलों के वो यहां डिनर में शामिल होंगे।
तो उन सबको लेकर यहाँ लगातार बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर तैयारियां की जा रही हैं। प्रधानमंत्री आवास पर एक तरफ अपनी तैयारी चल रही है क्योंकि तमाम मंत्रियों से मिलना है, तो वहीं जेपी नड्डा के आवास पर जो है जो शपथ ग्रहण समारोह खत्म हो जाएगा उसके बाद में जब डिनर का आयोजन होगा तो उसकी तैयारियां की जा रही हैं। बिल्कुल पवन, और आप लगातार जुड़े रहिएगा, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। कुछ और हम खबरों के लिए हम आगे बढ़ेंगे, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संभावित मंत्रियों के साथ 11:30 बजे चाय पर कर सकते हैं मुलाकात। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी मिल रही है कि चाय पर मुलाकात कर सकते हैं नरेंद्र मोदी। और अब बात भोपाल से बड़ी खबर की, जहां सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी है, केंद्रीय मंत्रिमंडल पर फॉर्मूला तय हो चुका है। मध्य प्रदेश को मिल सकते हैं 4 मंत्री। जी हां, सिंधिया और शिवराज का नाम शामिल है, लगभग तय माना जा रहा है, जिसमें बीडी शर्मा को राष्ट्रीय संगठन में जगह मिलेगी। कोई बड़ा अहम पद मिलने की खबर है। एमपी से 2 नए चेहरे मोदी मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं, सूत्रों के मुताबिक ये बड़ी जानकारी मिल रही है। और देखिए, ये जो दो, चूंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया पहले से नागरिक उड्डयन मंत्री का पदभार संभाल चुके हैं, और उसके बाद ऐसा माना जा रहा है कि जो शिवराज सिंह चौहान है उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा को भी एक बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है, बड़ा पद दिया जा सकता है केंद्र में, क्योंकि मध्य प्रदेश का जो परिणाम है वो वाकई में बहुत ही अच्छा है, और उम्दा प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी का सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में रहा है। और हिंदी पट्टी राज्यों की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा सीटें जो आई हैं वो मध्य प्रदेश में ही आई हैं। 29 की 29 लोकसभा सीट बीजेपी ने क्लीन स्वीप कर दिया, और उसके चलते माना जा रहा है कि 4 चेहरे इस बार मोदी कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं। 2 नए चेहरों को भी जगह मिल सकती है, जिनमें बीडी शर्मा और शिवराज सिंह चौहान का नाम भी माना जा रहा है, और ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है। और सीधे रुख करेंगे संवाददाता वासु चौधरी जुड़ गए हैं। वासु, सबसे उम्दा प्रदर्शन हिंदी पट्टी राज्यों में सबसे बेहतर प्रदर्शन था मध्य प्रदेश में बीजेपी के लिए, और अब देखा जा रहा है कि 4 चेहरों को जगह मिल सकती है। निश्चित तौर पर देखिए, मध्य प्रदेश ने बीजेपी की जीत में, एनडीए की जीत में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और गुजरात में जो प्रदर्शन एनडीए का बीजेपी कर रहा है उसी के बलबूते जो सरकार है वो कहीं ना कहीं केंद्र में नजर आ रही है। तो इससे साफ तौर पर यह जाहिर होता है कि मध्य प्रदेश का जो कद है वो केंद्र में बढ़ेगा, और मध्य प्रदेश को पावरफुल डिपार्टमेंट्स जो है वो कहीं ना कहीं मिल सकते हैं, और बड़ा पार्टिसिपेशन मध्य प्रदेश का हो सकता है। फिलहाल जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार 4-5 मंत्री पद जो है वो मध्य प्रदेश में आ सकते हैं, जिसमें सबसे प्रबल 2 नाम हैं जिनको लेकर हम लगातार जिक्र कर रहे हैं, जो मौजूदा केंद्रीय मंत्री हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, और उनके साथ ही शिवराज सिंह चौहान, जिन्होंने एक बड़ी जीत विधानसभा लोकसभा सीट से दर्ज की है। इसके अलावा जो नाम चर्चा में है वो बीडी शर्मा का है, वो इसलिए है क्योंकि पहले तो उनके प्रदेश अध्यक्ष रहते विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस को बड़ी जीत हासिल हुई, और उसके बाद लोकसभा के चुनाव में भी बीजेपी जो है वो क्लीन स्वीप करती हुई नजर आई। तो बीजेपी बीडी शर्मा को इस शानदार काम के बदले क्या कुछ उपहार है, ये जरूर देखने वाली बात होगी। क्या उन्हें केंद्र में जगह मिलती है या फिर राष्ट्रीय संगठन में कोई अहम जिम्मेदारी दी जाती है, फिलहाल इस पे सस्पेंस जो है वो बरकरार है। इसके अलावा 2 नए चेहरों को भी मौका दिया जा सकता है, जिसमें कई ऐसे सांसद हैं जो लगातार 3-3, 4-4 बार से जीतकर आ रहे हैं, लेकिन चूंकि मध्यप्रदेश एक आदिवासी बाहुल्य स्टेट है और आदिवासी लगातार प्रदेश की सत्ता के केंद्र में भी रहे हैं, देश की सत्ता के केंद्र में भी रहे हैं, तो किसी एसटी या एससी वर्ग से जो एक मंत्री पद है वो मध्य प्रदेश में दिया जा सकता है, या फिर किसी महिला का नाम जो है वो भी आगे किया जा सकता है। अब देखना होगा कि बीजेपी किसे तवज्जो देती है, और मुझे लगता है कि थोड़ा और इंतजार करना होगा, इसके बाद ये सस्पेंस भी जो है वो खत्म हो जाएगा। लेकिन ये बात तो तय मानी जा रही है कि जिस तरह से मध्य प्रदेश का प्रदर्शन रहा है, मध्य प्रदेश में बीजेपी का प्रदर्शन रहा है, इससे मध्य प्रदेश का कद जो है वो बढ़ेगा, क्योंकि 29 की 29 सीटों पर बीजेपी जो है वो मध्य प्रदेश में चुनाव जीती है, और इसी के कारण एक बहुमत की, एनडीए के बहुमत की जो सरकार है वो केंद्र में नजर आ रही है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका वासु, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो इस तरीके से 4 चेहरे मोदी कैबिनेट में शामिल होने की बात कही जा रही है, और अब आगे बढ़ेंगे, जहां नरेंद्र मोदी की संभावित मंत्रियों के साथ मुलाकात मानी जा रही है। 11:30 बजे चाय पर चर्चा कर सकते हैं नरेंद्र मोदी, मुलाकात के दौरान चाय पर चर्चा हो सकती है, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर मिल रही है। और आप ये देखिए कि लगातार बैठकों का दौर जारी रहेगा, क्योंकि बीजेपी और एनडीए में जो चेहरे शामिल हैं, और इनमें से कुछ चेहरों को जिनको मंत्री पद दिया जाना है, और आज जो चाय पर चर्चा करेंगे 11:30 बजे नरेंद्र मोदी संभावित मंत्रियों के साथ मुलाकात कर सकते हैं और बातचीत हो सकती है।
आगे की जो प्लान होंगे, जो आगे किस तरीके से सरकार को चलाना है, किस तरीके से जो विभाग दिए जा रहे हैं उन विभागों में किस तरीके से सामंजस्य के साथ काम करना है, ये तमाम चीजें रहने वाली हैं। और संभावित मंत्रियों को बुलाया जा सकता है, जहां चाय पर चर्चा आज नरेंद्र मोदी संभावित मंत्रियों के साथ सुबह 11:30 बजे करने वाले हैं। इनमें कई नाम शामिल हैं, जो संभावित नाम की लिस्ट हम आपको दिखा रहे हैं उन सभी को बुलाया गया है और नरेंद्र मोदी इनके साथ बैठक करेंगे, चाय पर चर्चा होगी। संभावित जो सेक्टर्स दिए गए, जो विभाग दिए गए हैं, जो मंत्री पद दिए जाने हैं, उनको लेकर बातचीत हो सकती है। और आगे क्या कुछ रहेगा वो तो आपको दिखाएंगे ही, बताएंगे ही। अभी धीरे धीरे अभी बीजेपी नेताओं के पास, जो सांसद हैं, उनके पास फोन जाना अब शुरू हुआ है। तमाम लोगों के पास धीरे धीरे फोन पहुंच रहे हैं। हालांकि जैसे कि आपने देखा कि लगातार प्रधानमंत्री जो हैं वो सबको कहते हैं कि आपको मीडिया से बचना चाहिए, जब तक आपका शपथ ग्रहण समारोह ना हो जाए तब तक आपको किसी मीडिया पर्सन से बात नहीं करनी है, बहुत ज्यादा जानकारी नहीं देनी है। तो ऐसे में सभी नेता जो है, हमारी तमाम जितने भी उत्तर प्रदेश के नेताओं से बातचीत हुई, तो सब कहीं ना कहीं बचते हुए नजर आ रहे हैं। कोई ये स्पष्ट रूप से बता नहीं रहा है कि किसके पास फोन गया है, किसके पास नहीं गया है। तो ऐसे में अभी ये पता करना बहुत मुश्किल है, लेकिन लगातार अब लोगों के पास धीरे धीरे फोन पहुंचना शुरू हो गया है। आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी के पास फोन पहुंच गया है, उनको शपथ ग्रहण, उसको प्रधानमंत्री के आवास पर पहुंचना है 11:30 बजे, वहां चाय पर चर्चा प्रधानमंत्री करेंगे। तो यानी माना जाए कि उनको मंत्रिमंडल में जगह मिल रही है। उसके अलावा जो अन्य नेता हैं उनको भी धीरे धीरे फोन पहुंचना शुरू हो गया है। अन्य जो घटक दलों के नेता हैं, चाहे वो टीडीपी की बात करें, जेडीयू की बात करें, जेडीएस की बात करें, उन सबके नेताओं को फोन पहुंच चुका है। जीतन राम मांझी की बात करें तो सबके पास धीरे धीरे फोन पहुंचना शुरू हो गया है और सब लोग को 11:30 बजे प्रधानमंत्री आवास पर पहुंचना है प्रधानमंत्री के साथ चाय पर चर्चा करने के लिए। तो देखा आपने, चाय पर चर्चा करने के लिए इन सभी लोगों को पहुंचना है। और जैसा कि पवन भी बता रहे हैं कि कुछ प्रोटोकॉल्स के तहत आप मीडिया से बातचीत करने के लिए मना किया गया, और जाहिर सी बात है कि ये जो बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा हैं उनके आवास पर लगातार तैयारियां जो है वो डिनर को लेकर की जा रही हैं। और वहां शाम को जो डिनर होगा उसमें तमाम जो एनडीए के जो सांसद हैं वो इस डिनर में मौजूद रहेंगे। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ जो सामान है वो लाया जा रहा है, अंदर तैयारियां हैं वो पूरी की जा रही हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं उस कार्यक्रम में शामिल होंगे। और वो जो है जो शपथ ग्रहण समारोह के बाद इस पूरे कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। तो धीरे धीरे अब जो तैयारियां हैं वो पूरी की जा रही हैं। चूंकि शाम को पहले 7:15 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा और शाम को 7:15 बजे के बाद में फिर यहां जब शपथ ग्रहण समारोह की समाप्ति हो जाएगी तो उसके बाद में जो है वो यहां तमाम जो लोग हैं यहां पहुंचेंगे। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा जो है अपने आवास से निकल रहे हैं। आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा जो है अपने आवास से निकल रहे हैं। और ये देखिए तस्वीरें, जब बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा अपने आवास से बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं और तमाम सिक्योरिटीज के बीच में ये निकल रहे हैं। और जाहिर सी बात है कि आज जो संभावित मंत्रियों के साथ मुलाकात हो रही है, नरेंद्र मोदी ये मुलाकात करने वाले हैं। सुबह 11:30 बजे चाय पर चर्चा होगी और शायद इस चर्चा के दौरान जेपी नड्डा भी शामिल हो, क्योंकि तमाम जो महत्वपूर्ण बैठकें हो रही हैं उसमें जेपी नड्डा जरूर शामिल होते हैं। और आज चूंकि जब हो जाएगा शपथ ग्रहण, उसके बाद डिनर का भी प्लान है, तो उसमें भी थोड़ी व्यस्तता देखी जा रही है, क्योंकि जेपी नड्डा के आवास पर ही सभी सांसदों को डिनर कराया जाना है। सुबह 11:30 बजे चाय पर चर्चा, और इसके बाद जो भी कार्यक्रम होंगे वो तो आपको बताएंगे ही। लेकिन जो संभावित मंत्रियों को बुलाया गया है उनमें कई सारे नाम शामिल हैं। अब जब बात करने की कोशिश भी उनसे अगर की जा रही है तो यही कहा जा रहा है कि अभी फिलहाल उन्हें मीडिया से कोई भी जानकारी साझा करने के लिए रोका गया है, कुछ प्रोटोकॉल्स के तहत उन्हें रोका गया है। नरेंद्र मोदी आज शाम 7:15 पर तीसरी बार लगातार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। देश के पहले पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के बाद ऐसा करने वाले नरेंद्र मोदी पहले ऐसे नेता हैं जो लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। और इससे पहले 2014 में नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी और उसके बाद 2019 में लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री बने और अब पीएम पद की शपथ आज वे लेने वाले हैं। तो ये देखिए, आपको हम कुछ खास तस्वीरें दिखा रहे हैं। एक तस्वीर है 2014 की, जब पहली बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही 30 मई 2019 को भी उन्होंने दूसरी बार देश की कमान संभाली और प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। और तीसरी बार देखिए, आज शाम 7:15 की वो घड़ी होगी जब तीसरी बार वे देश के प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। और इसके पहले आप ये देखिए, जब वो बापू को नमन करने के लिए पहुंचे थे और 9 जून 2024 आज की तारीख बहुत ही खास, क्योंकि तीसरी बार देश के जो प्रधानमंत्री हैं पद की शपथ लेने वाले हैं नरेंद्र मोदी।
और ये खास 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आज के पूरे दिन का जो कार्यक्रम होगा वो भी आपको बताएंगे। राष्ट्रपति भवन में शपथ ग्रहण समारोह